अलीगढ़ में ऑल ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन व ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक रामघाट रोड स्थित एक होटल में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष व केनरा बैंक के पूर्व कर्मचारी निदेशक डीडी रस्तोगी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े उद्योगपतियों के खातों को एनपीओ घोषित कर केंद्र सरकार उनका ऋण माफ कर रही है। इसके लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऋण संबंधी समझौता कराए जा रहे हैं, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध जारी रहेगा। बैठक में अतिथियों का आर्यव्रत बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया। बैठक को राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री जेजी गांधी, प्रदेश कार्यकारी महासचिव डॉक्टर राकेश सक्सेना, केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार के बैंक प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। जो आज हमें अलीगढ़ में ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जो कार्यकारिणी सभी चल रहा है, ये अब सभी में हमको दो तीन मुद्दे बहुत महत्व मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जो ग्रामीण बैंक आज के दिन जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हर चीज़ की स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंकों में जो स्टाफ स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, सिबंदी का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जो नाबार्ड का जो एक रिपोर्ट बोलता है, मोर देन 32,000 एम्प्लॉयज का वैकेंसी है ग्रामीण बैंक में, जो फिर भी इतना कम स्टाफ में भी हम गांव में और खेतों में जो काम करते हैं और जो किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये स्टाफ कम होते जा रहा है, जो कर्मचारी कम होते जा रहा है, इसके दबाव के साथ ही साथ हमारा सर्विस ज़्यादा देने के लिए तकलीफ हो रहा है। इसके ऊपर हम गवर्नमेंट के ऊपर मांग कर रहे हैं कि तुरंत जो अभी जो कितना स्टाफ कम है वो तुरंत रिक्रूटमेंट करिए, उसको अपॉइंटमेंट करिए और हमें अच्छा सुविधा देने के लिए काम करने का है। उसके साथ ही साथ जो ग्रामीण बैंक अभी तक भी जो पहला 196 ग्रामीण बैंक थे, आज ओनली 43 ग्रामीण बैंक हो गए हैं और इससे अभी भी घटने का है। अभी और एक स्टेट को एक ग्रामीण बैंक बनने वाला है, लेकिन जो व्यवसाय बैंकों में जो वेतन भत्ते वगैरह जो मिलते हैं वो ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज को नहीं मिलता। उसके लिए हमें मांग करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ये ग्रामीण बैंकों को ये व्यवसाय बैंकों में विलय करिए, स्पॉन्सर बैंक में विलय करिए और उसके साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक में जो सुविधा मिलती है वो सारे सुविधा भी हर रूरल एरिया में भी मिल सकता है। सो इसका भी हमारा मांग है। सो साथ ही साथ हम इधर यूपी में और अलीगढ़ में जो आने वाले दिन में हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए आज बैठक हुई है, वो बैठक में अभी भी उसके बारे में बातचीत हो रही है। अगर होने के बाद अगर हो सके तो हम अलीगढ़ में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन करना सोचे है। सो इसके साथ है और कुछ सारे चीज़ है। अभी जो 12वां वेतन का भी ऑलरेडी वो आईबी के साथ और कमर्शियल बैंक में जो अग्रीमेंट हुई है और वो जो बाइपार्टाइट है उसको भी हमको ग्रामीण बैंक में तुरंत लागू करने का हमारे मांग है। अगर तुरंत लागू नहीं हुआ है, हमारा जो ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑफिसर एसोसिएशन, हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे, अगर हो सके तो हम हड़ताल पर भी जाएंगे। आज अलीगढ़ के अंदर ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा हो रही है और एक ऐसे समय में हो रही है जब तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग उद्योग ही नहीं पूरे आर्थिक जगत के अंदर एक चुनौतियाँ हैं। देश की आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के अंदर तमाम सार्वजनिक उद्योगों को स्थापित किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, देश के अंदर जितनी भी क्रांतियाँ हुई, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, तकनीकी क्रांति हो, उस समय बैंकों का अमूल्य योगदान रहा। आज गांव-गांव के अंदर जो आम आदमी, छोटे से छोटा किसान, मजदूर बैंक की सुविधाओं का लाभ ले रहा है वो राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा पिछले लगातार 8-9-10 वर्षों से बैंकिंग उद्योग के ढांचे को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को पहले उनको विलय करके कम किया जा रहा है,
उसके बाद में जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको सौंपने की इनकी तैयारी चल रही है। कॉरपोरेट सेक्टर को पहले लाइसेंस दिए गए, किसी ने अपनी बैंक नहीं खोली। वो चाहते हैं कि जो नेशनलाइज बैंकें हैं यही हमें दे दी जाएँ। और उसका कारण आप देख रहे हैं कि तमाम जो हमारे सार्वजनिक उद्योग थे, चाहे वो हवाई अड्डे थे, चाहे वो एजेंसी थी, चाहे स्टेशन थे, तमाम कॉरपोरेट जगत को भेजे जा रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर, जबकि कोविड का प्रभाव रहा है, लाखों लोग नौकरी से चले गए, छोटा जो कारोबारी था वो बदहाल हो गया, कितने लोगों की तनख्वाहें कंपनियों ने कम कर दी, लेकिन कॉरपोरेट जगत के जो उद्योगपति हैं उनकी संपत्तियां इस 2 साल के अंदर दुगनी और तिगनी हो गई। चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो एशिया में और वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं। तो ये सरकार की नीतियों के द्वारा हो रहा है। इससे पूरे हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसको भयावह बनाया जा रहा है, अमीर और अमीर और गरीब को और गरीब किया जा रहा है। बैंकिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण रोल इस देश की हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में रहा है। हमारा बैंकिंग उद्योग का जो ये ढांचा है, हमारा यहाँ का मजदूर, यहाँ का हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी इस बात के लिए संकल्पित है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए श्रमिक ट्रेड यूनियन के साथ में मिलकर जो भी आंदोलन चलाया जाएगा, जो भी मिशन होगा, उसके लिए बैंक कर्मचारी हर संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। पहले भी हमने सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हड़तालें की हैं, हमने अपनी केवल वेतन भत्तों की लड़ाई नहीं लड़ी, हम हिंदुस्तान के बैंक कर्मचारी ने हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ी है। यहाँ की ट्रेड यूनियन, यहाँ के जो लदकार हैं उनकी लड़ाई लड़ी है। तो उसके लिए आगे भी हम लोग तैयार हैं। और ऐसी परिस्थितियों में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश कमेटी, इन तमाम जो हमारे यहाँ पे आज महाराष्ट्र से, केरला से, बिहार से, कर्नाटका से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लीडर आए हुए हैं, उन सबका स्वागत करती है। और हमें ये विश्वास है कि कार्यकारिणी ऐसा डिसीजन लेगी कि आने वाले समय में जो भी संघर्ष होगा उसमें बैंक कर्मचारी, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, वो पूरी तरीके से कूदेगा। ग्रामीण बैंक की 22,000 शाखाएँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, गाँव-गाँव के अंदर जाल फैला हुआ है। जितनी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच नहीं, उससे ज़्यादा ग्रामीण बैंक की शाखाएँ हैं गाँव-गाँव में सेवाएँ देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद सरकार उन लोगों की अनदेखी करती है, डिस्पेरिमेंट करती है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दे रही। इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ फैसला होना है। मुझे उम्मीद है, मैं लीडरशिप से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अलीगढ़ के अंदर कॉन्फ्रेंस ड्यू है तो अलीगढ़ के अंदर ही कॉन्फ्रेंस कराई जाए। पूरे लोग मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाएंगे।